क्या ऋषभ पंत का क्रिकेट करियर खतरे में है? अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया ने जो शानदार सीरीज खेली और जीत हासिल करी उसमें देखें तो उसके बाद जो है बहुत सारे पेड़ जो है वो उभर के आए हैं, उभरते हुए सितारे बने हैं। और खबरों की अगर हम बात करें तो बहुत टाइम पहले से ही खबरें आ रही थी कि गौतम गंभीर जो है शायद संजू सैमसन को प्रेफरेंस देंगे ओवर ऋषभ पंत। इसके बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संजू सैमसन का नाम रख दिया गया है क्राइसिस मैन। और लगातार आप देखते रहिए कि जिस तरीके से जीत हासिल हुई है तो जाहिर सी बात है कि डिबेट जो है ये खत्म होने का नाम नहीं लेगी आगे भी कि कौन सा प्लेयर बेटर है। तो चलिए, ये डिबेट जो है वो आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि किसकी जो है वो टीम में जगह बनती है। उससे पहले जो है वो फटाफट अपडेट दे देते हैं, इंडिया वर्सेज श्रीलंका सीरीज की जो डेट्स है वो रिवाइज हो चुकी है। पहला T20 27 जुलाई को, दूसरा 28 जुलाई को और तीसरा 30 जुलाई को। वही अगर हम ODIs की बात करें तो जो है 2 अगस्त को पहला ODI खेला जाएगा, 4 को दूसरा और तीसरा 7 अगस्त को। उसके बाद सौरभ गांगुली की अगर बात करी जाए तो उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब रोहित शर्मा को कप्तान बनाया था तो वो मैं ही था और तो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन अब वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बन चुके हैं रोहित शर्मा। टीम इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली टीम बन चुकी है T20 इंटरनेशनल में। यहाँ पे 81 मैचेस खेले हैं जिसमें से 50 मैचेस जीते हैं, 27 मैचेस खेले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरे नंबर पे कौन सी टीम आती होगी, तो अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे जगह बनाई है पाकिस्तान ने, जिन्होंने 95 मैचेस खेले हैं जिसमें से 50 जीते हैं, 39 हारे। दोनों की जीत तो यहाँ पर बराबर है, लेकिन टीम इंडिया ने कम मैच में जो है ये जीत हासिल की है। वहीं रोहित शर्मा की एक बार फिर से अगर हम बात करें तो उन्होंने रिटायरमेंट को लेकर कहा है कि भाई अभी मेरे को जल्दी नहीं है, जीतना है WTC का फाइनल जो प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी अपडेट यही है कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी और हाइब्रिड मॉडल पर ये जो है वो ट्रॉफी होती है नजर आएगी। देखिए ये सारी बात है, लेकिन यहाँ पे भी एक डिबेट शुरू हो जाती है क्योंकि खबरें ऐसी आ रही थी कि गौतम गंभीर ने डिमांड रखी है कि मुझे जो है टेस्ट की टीम और ODI T20s की जो टीम होती है वो अलग अलग चाहिए। तो जब भले ही आप रिटायरमेंट नहीं ले रहे लेकिन आपको टीम में खेलने का मौका मिलेगा नहीं, ये अभी भी एक सवाल है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं मेन मुद्दे पे जो है संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत। क्यों हो सकता है ऋषभ पंत का करियर खतरे में, इसके बारे में आगे बात करते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें तो जिम्बाब्वे जो सीरीज हुई थी उसमें बहुत सारे टैलेंटेड और यंग प्लेयर्स को मौका दिया गया था, जिसमें शुभमन गिल ने, शिवम दुबे थे, कई खिलाड़ी अपनी जगह जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे और कई खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, परफॉर्मेंस उनका ऐसा नहीं था। देखिए संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बहुत धुआंधार पारी खेली है और अपना जो नाम है हमेशा टॉप पे बनाए रखा है। उनके साथ साथ और भी ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने अच्छा किया, अगर हम शुभम दुबे की बात करें या फिर माफ कीजिएगा अभिषेक शर्मा की बात करें जिन्होंने अच्छा खेला। यहाँ पे शुभमन गिल की जो कप्तानी है उसकी भी बहुत ज्यादा वाइड बटोर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ऋषभ पंत का करियर थोड़ा सा जो है डामाडोर होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए संजू सैमसन की जहाँ तक बात है, उन्होंने इस सीरीज में कैसा परफॉर्मेंस किया है वो देख लेते हैं। 5वें मैच में उन्होंने 58 रन बनाए, क्राइसिस मैन का उन्हें नाम दिया गया। फिर उन्हें बैटिंग करने का मौका 4th ODI में मिला नहीं क्योंकि जयसवाल और जो गिल है वही खेलते रहे। फिर उन्होंने 12 रन बनाए और बाकी मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला। वही अगर हम संजू सैमसन और ऋषभ पंत का कंपैरिजन करते हैं T20 इंटरनेशनल और ODI में, तो एक बार आप T20 इंटरनेशनल के जो स्टैट्स हैं वो आप स्क्रीन पे लगातार देखिए। ODI का क्या कंपैरिजन है ये हम कर लेते हैं। संजू सैमसन ने 16 मैचेस खेले हैं, वही ऋषभ पंत ने 30 मैचेस खेले हैं, जो कहीं ना कहीं डबल हो सकता है। और अगर हम रन्स की बात करें तो 510 रन जो जड़े हैं संजू सैमसन ने जड़े और 865 रन जो है ऋषभ पंत के नाम है। जहाँ तक बेस्ट की बात है, 108 बेस्ट संजू का है, 125 जो है वो पंत का बेस्ट है। एवरेज यहाँ पर जो है वो 56 के आसपास का है जो संजू का है और पंत का एवरेज सरप्राइजिंगली सिर्फ 34 का है, एक एक सेंचुरी दोनों के नाम है। तो ODIs में अगर हम देखें तो संजू को अगर ज्यादा मौका मिलेगा तो मुझे लग रहा है कि संजू डेफिनेटली जो है वो पंत पर भारी है। बिल्कुल भारी है, लेकिन ऋषभ पंत का क्या है कि ऋषभ पंत की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, काफी लोग ऐसे हैं, इवन हमारे चैनल पर भी बहुत सारे फैंस जो है ऋषभ पंत के आते हैं जो उन्हें आगे खेलते हैं देखना चाहते हैं। और ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो सबसे ज्यादा डिसमिसल्स करने वाले जो है ऋषभ पंत प्लेयर बने। और आगे बढ़ते हैं, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में भी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी वहाँ पे भी टीम इंडिया को बचाने में ऋषभ पंत का बहुत बड़ा योगदान था। और जहाँ तक लेजेंड्स की बात करी जाए, सुनील गावस्कर का जो है वो अगर दोनों की पिक करने की बात करी जाए तो पंत को उन्होंने पिक करा है, उसके बाद हरभजन सिंह की बात करी उन्होंने संजू को पिक किया था और गौतम गंभीर ने जो है वो पंत को पिक करा था। तो 3 लेजेंड्स की हमने आपको दिखाया और 2 ने जो है वो पंत को पिक किया और 1 ने संजू को। और वहीं अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो देखिए उनके एक्सीडेंट से पहले वो टीम इंडिया के एक परमानेंट मेंबर थे, हर अगले मैच में वो खेलते हुए नजर आते थे। हालांकि संजू सैमसन अभी तक परमानेंट मेंबर बनने में नाकामयाब रहे हैं, हालांकि उनकी जो परफॉर्मेंस IPL में अच्छी रहती है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगी कि आप किसी भी प्लेयर की IPL परफॉर्मेंस पे उनका इंटरनेशनल्स में ODIs में कैसा
परफॉर्मेंस रहने वाला है, ये जज करने की गलती बिल्कुल ना करे। तो चलिए लास्ट में जो है वो दो सवाल बनते हैं वो फैंस के लिए है। पहला सवाल ये कि गंभीर जो है वो क्या ऋषभ पंत को बैक करेंगे या फिर संजू सैमसन को वो चुनेंगे श्रीलंका की सीरीज में ये, और दूसरा सवाल ये है कि ऋषभ पंत जो है वो क्लोज रहे रोहित शर्मा के, मजाक करते हुए हालिया वक्त में काफी बार नजर आए, तो क्या रोहित शर्मा सेव कर पाएंगे ऋषभ पंत को, ये दूसरा सवाल है। आपको जिस भी खिलाड़ी का नाम लगता है आप जो है वो कमेंट में उनका नाम मेंशन कर सकते हैं।